If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. A quote by Rabindranath Tagore. Hey guys, आप सुन रहे हैं सोल ट्यून और मैं हूँ इशिका जैन. आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता आपके सामने लाने वाली हूँ जिसका टाइटल है नहीं मांगता. आई फील सो प्राउड इन सब लेजेंड्स की पोएम सुनाते हुए और उनका मतलब समझाते हुए. और आज की ये कविता कुछ ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरी मॉम ने आज मुझे ये दी है और स्पेशली ऐसे बोला है कि मैं यही सुनाऊँ और इसी का मतलब समझाऊँ. सो हियर इट गोज़. नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं इतना है भगवान करो. नहीं मांगता दुख हटाओ व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं इतना है भगवान करो. कोई जब न मदद को आए मेरी हिम्मत टूट न जाए, जग जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानूं ऐसा नाथ विधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं इतना है भगवान करो. नहीं मांगता हूँ प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाओ अपने बल इतना है करतार करो. नहीं मांगता हाथ बटाओ मेरे सिर का बोझ घटाओ, आप बोझ अपना संभाल लूं ऐसा बल संचार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं इतना है भगवान करो. सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधु करुणा कर, ओ विपत्ति के अंधकार में जगत हसे जब मुझे रुलाकर, तुम पर करने लगूं न संशय यह विनती स्वीकार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं इतना है भगवान करो. धन्यवाद दोस्तों. जब मैं सुना रही थी तब आपको कुछ कुछ मीनिंग समझ आया होगा. मेन इसका जो हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि प्रभु भगवान गॉड या पॉजिटिव एनर्जी जो भी कुछ बोल लीजिए, उसके सामने लोग हमेशा क्यों हाथ फैला के जाते हैं, क्यों हमेशा कुछ मांगने ही जाते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स ले आओ या मुझे करियर में बहुत अच्छा सेट कर दो या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे ये दे दो. क्यों हमेशा मांगना ही क्यों है? तो इसमें ये बताया गया है कि मुझे नहीं मांगना ये सब चीज, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकूं. पहले स्टैंजा में जैसे है, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं इतना है भगवान करो, कि मैं नहीं मांग रहा मुझे आप किसी भी प्रॉब्लम से बचाओ या मेरी रक्षा करो, मैं बस ये चाहता हूँ कि विपदा में निर्भीक रहूँ मैं, मतलब प्रॉब्लम के टाइम निडर रहूँ मैं इतना है भगवान करो. निर्भीक यानी करेजियस. ऐसी नहीं मांगता दुख हटाओ व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुख मैं नहीं चाहता कि आप मेरा दुख मिटाओ, दुख को मैं खुद जीत लूं ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं इतना है भगवान करूं. कोई जब मदद को ना आए मेरी हिम्मत टूट ना जाए, ऐसा नहीं कि मैं आपसे मदद के लिए कुछ मांग रहा हूँ, कोई बात नहीं अगर कोई नहीं आए, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत ना टूट जाए. जग जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार ना मानूं ऐसा नाथ विधान करो. जब कोई हमें धोखा दे या हमसे कोई छल कपट करे, बस मैं हार ना मानूं अपने मन में, बस यही दो. नहीं मांगता मैं कि जीवन नैया पार करो, पार उतर जाओ अपने बल इतना है करतार करो. मैं नहीं चाहता कि मेरी जीवन की नैया पार हो जाए, मैं खुद से ये सब कर सकूं, बस इतना ही मांगता हूँ. नहीं मांगता मेरे सर का बोझ हटाओ, आप बोझ अपना संभाल लूं ऐसा बल संचार करो. मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सारे बोझ हटा दो, बस मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं अपने जो सारे बोझ हैं वो खुद ब खुद सुलझा लूं. सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधु करना कर. अब हमने अक्सर देखा है कि लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब वो दुख में होते हैं या उन्हें कुछ चाहिए होता है. तो इसमें कहा गया है कि मुझे कभी भी आपको दुख में याद नहीं करना या कुछ मांगने के लिए याद नहीं करना, जब बस मैं सुखी हूँ तब मैं आपके सामने शीश नवाकर आपको आराधु और आपका बस थैंक यू बोलूं. ओ विपत्ति के अंधकार में जगत हसे जब मुझे रुलाकर, तुम पर करने लगूं न संशय,
कि जब मेरी प्रॉब्लम में सब कुछ बुरा बुरा चल रहा है और सामने वाले हंस रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि मैं तुम पे संशय यानी डाउट करने लगूं। यह विनती स्वीकार करो, बस यह एक रिक्वेस्ट है कि मुझे खुद पर कभी डाउट मत होने देना। तो बस विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। ये पोएम्स कैसी होती है कि इतने टाइम पहले जब लिखी हुई होती है, लेकिन फिर भी आज भी हम उनसे कितना रिलेट कर पाते हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लोग मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ अपने मांगने के लिए कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। आप खुद सोचिए, आपने थैंक यू कब बोला था लास्ट उस पॉजिटिव एनर्जी को, भगवान को? और भगवान ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर में ही मिलेंगे, वो हम सबके अंदर है। तो सबसे पहले आप खुद को थैंक यू बोलिए उस पॉजिटिव एनर्जी को जो आपके अंदर है, और कुछ मांगिए मत, बस जो चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए, वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो अगर कुछ मांगना है तो शक्ति, वो मेहनत करने का एक जज्बा, खुद से मांगिए। आज के लिए यही पोयम थी। और जाने से पहले एक रविंद्रनाथ टैगोर का ही एक कोट आपके सामने, यू कांट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वॉटर। आप जैसे भगवान से अपने लिए मांग रहे हैं सब कुछ, तो अगर आप कुछ करेंगे नहीं उसके लिए, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हाँ बस मांग लिया हमने, पूजा कर ली तो सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सोचिए इस बारे में। नेक्स्ट वीक मैं फिर लौटूंगी एक नई कविता के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड यस डू सब्सक्राइब एंड फॉलो। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय, स्टे ट्यून्ड।